तो चलिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको लेकर चलूंगा एक अमेजिंग लोहगढ़ फोर्ट की सैर पर, तो आप चलिए मेरे साथ बने रहिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। और ये देखिए, यहाँ पे भुट्टे जैसे नैनीताल के रास्ते में मिलते हैं, इस तरह से ये इधर के दादा भून रहे हैं। वाह वाह। और ये देखो ताई इधर भुट्टे भून रही है। वाह वेरी नाइस। कैसा कहता है ताई? कैसा कह बाबू? मजे। तो ये देखो बॉयल कॉर्न, और यहाँ भुट्टे सेकते हैं इसके ऊपर। वेरी ब्यूटीफुल। वाह, यहाँ पे भुट्टों का बहुत क्रेज है लगता है। देखिए एक ताई ये है। और ये देखिए, मैं और पूरी गैंग हम चल रहे हैं किले की तरफ, और हमारे यहाँ बड़े बड़े एक्सरसाइज करने वाले हैं, लेकिन मेरी सांस फूल नहीं रही है। देखिए मैं सबसे फ्रंट में हूँ। और ये देखिए हमारे दोस्त, वाह, और आई एम द ओनली वन हु इज रनिंग। ये देखिए विक्रम भाजी, ये देखिए हम आपकी लेते हैं यहाँ से, यहाँ से ये फिर ये, फिर ये, और ये किला उस तरफ। वाह। और ये रास्ता हमारा पूरा इस तरफ, देखिए एकदम नैनीताल की तरह लग रहा है। वाह, लोहगढ़ किले के पास है बिल्कुल, ये लोहगढ़ किला है। वाकई गजब, इतनी ऊंचाई पर आकर बनाया है, क्या बात है। कम ऑन दोस्तों, आप मत मरना। तो ये देखिए कितना ब्यूटीफुल, बादल बहुत ज्यादा हैं, फॉग बहुत ज्यादा है तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन बड़ा ही कमाल का नजारा है। वाह, क्या किला इतनी ऊंचाई पर आकर बनाया है साहब, गजब। ये देखो सुसाइड करने के लिए बड़े अच्छे पॉइंट्स हैं, लेकिन भाई कोई करना नहीं। नहीं भाई, राज भाई नहीं करना। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करना विक्रम भाई। ना नहीं नहीं नहीं, ना सुसाइड जो है बहुत ही पाप है। अरे बहुत, मैं नहीं। अरे तो जल्दी जा भाई, जल्दी जा भाई। अरे हाँ, जाओ पकड़ो इनको, पकड़ो। ना सुसाइड नहीं करना। अरे जल्दी जा भाई, जल्दी जा। ये सुसाइड वाली बात नहीं, हम सिर्फ मस्ती कर रहे हैं, दोस्त हैं आपस में कि ये, लेकिन बहुत ही खूबसूरत, लेकिन ये वाकई ये बहुत डेंजर है ये पॉइंट। यहाँ से कोई कूदा तो सीधे 500 फीट नीचे, और फिर क्या होगा उसका किसी को नहीं पता। लेकिन दोस्तों बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत पॉइंट, लेकिन दोस्तों वही आए यहाँ पर लोहगढ़ किले पर जिसके अंदर स्टेमिना हो, जो 400-500 सीढ़ियाँ चल सकता हो, चढ़ सकता हो, जिसके अंदर दम हो लाइक मी। और हमारे ये दोस्त देखिए, कनाडा तो आए हैं लेकिन बोले इंडिया के, तो मजा ही आ गया। बल्ले बल्ले कराती सेम जी, जी जब आपका साथ हो तो बल्ले बल्ले तो होनी है। ये देखिए लोहगढ़ का किला, कितना शानदार ये नज़ारा, कितना ऊंचा है, और इतनी ऊंचाई पर इतने पत्थर लाकर बनाया, मतलब कमाल है, कमाल है ये नज़ारा। और ये जगह जो देख रहे हैं छोटी छोटी, ये मतलब हथियारों के लिए होगी कि ज़रूरत पड़ने पर तोप या बंदूकें चलाई जा सके दुश्मन के आने पर। ओहो हो, ये देखें। और देखिए दोस्तों, ये रास्ता पत्थरों का ही है, और ये देखिए यहाँ पर है गणेश दरवाज़ा। इस दरवाजे का नाम है गणेश दरवाज़ा। वाह, वेरी ब्यूटीफुल। और ये देखिए हमारे भाई तोप चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तोपे बिल्कुल ओरिजिनल हैं। वाह,
और ये देखिए भाई, हाँ जी, ये बिल्कुल जो निशान लगा रहे हैं ना, हाँ। ये बंदा जो कैप में खड़ा है, इसका नाम है दीप ज्योति दास, हाँ। ये आजकल बहुत सारे प्रोड्यूसर को परेशान कर रखा है इसने, हाँ। डेट नहीं दे रहा है, टाइम पे लोकेशन पे नहीं पहुंच रहा है, उड़ा दो उड़ा दो। और एक और ये दूसरा काले चश्मे में जो है, ये बिग बॉस के अंदर जो है लड़ाई कराते रहता है। ये देखें, ये ओरिजिनल तोपे रखी हैं, बड़े छोटे साइज की हैं, लेकिन इन तोपों को देखकर लगता है कि वो जो कहावत है ना, छोटा तीर घाव करे गंभीर, तो जरूर इन तोपों ने घाव गंभीर ही किए होंगे। वाह, ये देखिए यहाँ से नजारा, वाह। ये तो ऊपर की तरफ हम जाए ही जा रहे हैं। और ये देखिए किले के अंदर ये विंडो है, इस विंडो से बाहर का नज़ारा कुछ यूँ दिखता है, ठीक है। इस तरह की विंडोज़ हैं और ये जो है ज़रूर बंदूकों के लिए बनाए गए छोटे छोटे सुराख हैं, राइफलों के, बंदूकों के, ताकि यहाँ से फायर किया जा सके दुश्मन पर। और ये देखिए ये विंडोज़ इतनी बड़ी बड़ी ज़रूर दुश्मन पे नज़र रखने के लिए बनाई गई होंगी। और ये देखिए इतना खूबसूरत, और कितने ऊपर तक बना है ये किला, वाह, वेरी ब्यूटीफुल। कितने सारे टूरिस्ट आए हैं हमारी तरह, जैसे हम आए हैं, वाह। और ये देखिए अगेन इस तरह की खिड़कियाँ। यहाँ से इस विंडो से मैं देख रहा था इसको, और ये देखिए किला, और ये ऊपर की तरफ रास्ता जाता ही जाता है, वाह, वेरी ब्यूटीफुल। लोहगढ़ का किला लोनावला के पास, और देखिए टूरिस्ट का तांता इस तरह से। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, रास्ता मुश्किल होता जा रहा है, वाह। वाह, वेरी एडवेंचरस, वेरी ब्यूटीफुल। ओह वो, यहाँ से देखने के बाद तो वाकई एक बार लगता है जैसे पैरों तले ज़मीन निकलने वाली बात, वाह। और ये देखिए किला यहीं पे ख़त्म नहीं होता, अभी और ऊपर है। जितना ऊपर आते जा रहे हैं किला ऊपर नज़र आता ही जा रहा है, वाह। अरे अरे आइए, और ये हमारे दोस्त कहाँ से आए भाई लोग, आप लातूर से, महाराष्ट्र। तो दादा इसकी हिस्ट्री बताओ इस किले की, मुझे नहीं पता अभी तक, आपको भी नहीं पता। अरे अरे कैसा लगा वैसे ही बता दोस्तों, इट्स रियली अमेजिंग। जहाँ तक जाओ किला ऊपर जाते ही जा रहा, हमारी तो सांस फूल गई। इधर से मत देखो, चलो दोस्तों देखो, ओके ओके दोस्तों, शिवाजी महाराज की जय। ओह ये क्या है भाई, ये अगर देख पा रहे हैं तो ये तालाब है। उस वक्त इतनी ऊंचाई पर किले में पानी जो इस्तेमाल होता था पीने के लिए, वो इस तालाब में जमा किया जाता था। ये 500 से 600 फीट की ऊंचाई पर है, और यहाँ पर देखिए वो लोग मराठा राजा जो थे पानी जमा किया करते थे। और ये देखिए अब बाहर की और ऊपर चलने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये रास्ता बड़ा स्लिपरी है, तो बहुत ही केयरफुल रहने की ज़रूरत है। बी वेरी केयरफुल, बहुत स्लिपरी है दोस्तों। ये किला तो एंड ही नहीं हो रहा, अब ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, सीढ़ियाँ मिलती जा रही हैं। और अब ये देखिए पीछे कितना रिस्की अभी सीढ़ियाँ हैं, जो स्लिपरी भी हैं, बारिश भी हो रही है, तो
चढ़ना रिस्की रहेगा, लेकिन लेंगे ये रिस्क, चलते हैं ऊपर। ये अगर मैं गिरूंगा तो वो लाइव रिकॉर्ड हो जाएगा। बहुत ही खतरनाक सा लग रहा है, लेकिन बिल्कुल चलेंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, वाह, ये है नारायण दरवाजा। और देखिए ये भी, इसके बाद दो दरवाजे हो रहे हैं शायद, ऐसा सुनने में आ रहा है। ये बहुत स्लिपरी है, बी वेरी केयरफुल गाइस। वाह, एक और दरवाजा। और ये क्या है? और ये आगे हनुमान दरवाजा। वाह, देखिए इस तरफ से नजारा दरवाजों का। और ये दरवाजा हनुमान दरवाजा। वाह, और मेरे ख्याल से हम पहुंच गए हैं लास्ट दरवाजे तक। हाँ, ये है लास्ट दरवाजा। वाह, और ये हमारे दोस्त देखो उधर मस्ती कर रहे हैं। और ये आ गए हम लास्ट दरवाजे पे, मज़ा ही आ गया यहाँ पर आकर। और इस वक्त हम हैं फॉग के बीच में, चारों तरफ बादल हैं, मतलब हम बादलों के बीच में हैं, तो आपको थोड़ा सा विजुअल बहुत क्लियर नहीं होगा। लेकिन लास्ट पॉइंट पर कुछ और टूरिस्ट आ गए हैं, हम भी आ गए हैं। और ये देखिए, और ये देखिए, वाह, ये लास्ट एकदम। ये हमारे दोस्त लगे हुए हैं। और ये देखिए, और ये देखिए, और तोपे। अब पाजी हमारे दोस्त पहले पहुंच चुके हैं। और ये देखिए, हम भी धीरे धीरे अपना वीडियो बनाते हुए आगे, और इनको तोप छोड़ा दिया जाए। दीप ज्योति दास प्रोड्यूसर को डेथ नहीं देते हैं दोस्तों। ये हमारे दोस्त, वाह, और ये ओरिजिनल तोप्स। और ये एकदम हम टॉप पर हैं लोहगढ़ किले के, बहुत ही ऊंचाई पर है ये। और ये पत्थरों के ऊपर, पत्थरों से बनाया हुआ एक कमाल का नायाब शाहकार है। वाह, मुगलों की बनाई इमारतें और राजस्थान के राजाओं की बनाई हुई इमारतों के मुकाबले ही है ये, बहुत ही खूबसूरत। लोनावला के बिल्कुल पास, काफ़ी ऊंचाई पर, पहाड़ों पर बना ये किला। दोस्तों, आप कभी भी आएँ लोनावला और लोहगढ़ किले नहीं आए तो मतलब आपकी ट्रिप अधूरी है। आप यहाँ ज़रूर आएँ और काफ़ी टाइम लेकर आएँ, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। यहाँ पर हमें बहुत मज़ा आ रहा है, बारिश रुक चुकी है लेकिन फॉग के अंदर हैं, फॉगी 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 सारा माहौल है, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। देखिए इस तरफ क्या यंगस्टर्स बहुत बैठे हैं, पता नहीं क्या अट्रैक्शन है इस तरफ, ये देखना है। तो चलिए, ये पहाड़ी रास्ता, कभी कभी मुंबई बैंड स्टैंड की याद दिला रहे हैं इस तरह के पहाड़, लेकिन ये बहुत ही ऊंचाई पर है। वाह वाह, ओहो, ये है एंड, ये है एंड यहाँ पर, बहुत बढ़िया। और ये है महादेव का मंदिर इस तरफ, हनुमान मंदिर, महादेव मंदिर इस तरफ है। और अगेन ये देखिए एक तालाब, इसका पानी भी पीने के लिए, या इसमें सीढ़ियाँ हैं पीने के लिए भी, या शायद नहाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता हो उस वक्त में। और वाकई भाई ये ट्रिप जो है बड़ा वर्थ रहा, बड़ा मज़ा आया। मैं अपने बच्चों को बड़ा मिस कर रहा हूँ, शायान शारिया, नेक्स्ट टाइम मैं जब भी आऊँगा तुमको लेके आऊँगा। और ऑफ़ कोर्स बच्चों की मम्मी, गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, आऊँगा तो तुमको भी लेके आऊँगा। लेकिन ये बहुत ही ऊँचाई पर है, चढ़ने में हालत ख़राब हो जाती है, अगर इतनी हिम्मत है तो मोस्ट वेलकम। फॉग थोड़ी कम हुई, और ये नज़ारा देखिए, ओफो ओफो, ये नज़ारा देखिए दोस्तों, फॉग थोड़ी कम हुई है। वाह, ये नज़ारा,
लोहगढ़ किले के एकदम टॉप पर है, ये एकदम टॉप पर। ये देखिए 360 डिग्री का शॉट दिखा रहा हूँ मैं आपको, इसको एकदम राउंड शॉट को 3 डिग्री शॉट कहते हैं, 360 डिग्री शॉट कहते हैं हमारी फिल्म की जबान में। देखिए अब हम ऊपर से नीचे की तरफ चल दिए हैं, वापसी की रास्ता हो गया, वापसी की तैयारी और वापस हम चल दिए हैं। आपको दिखाऊंगा दरवाजा, बड़ा ही खूबसूरत दरवाजा, और ये देखिए किस तरह से किस मजबूती से बनाया गया है दरवाजा, वाव। और ये देखिए जैसे हम फोटोग्राफी कर रहे हैं यहाँ पर और लोग भी फोटोग्राफी कर रहे हैं, वाह। अब हम चल रहे हैं नीचे की तरफ, ये देखें वाह, नीचे का व्यू भी आपको कमाल मिलता जाएगा। ये नज़ारे मैं आपको दिखाता चलूँगा, अपना भी ख्याल रखूँगा क्योंकि पानी से बहुत स्लिपरी हो चुके हैं स्टेयर्स और बहुत रिस्की स्टेयर्स हैं, और कोशिश करूँगा आपको भी जितने अच्छे नज़ारे हो सकें दिखा सकूँ दरवाज़ों से कैसे लगता है ये व्यू। ये देखिए ये नज़ारे, हम लोग यहाँ घूमने नहीं आए हैं, यहाँ वीडियो और फोटो लेने हैं। ये मेमोरीज हैं भाई, ये अंग्रेजों ने शुरू किया था कभी फोटो और वीडियो बनाने का सिलसिला, जो हमने इसको अडॉप्ट कर लिया है और बड़ी शिद्दत से फॉलो कर रहे हैं इसको। है ना, शुरुआत अंग्रेजों ने की थी फोटो खींचना वीडियो बनाना। ये रास्ते हैं प्यार के, ये देखिए किला है, किले से ऐसे आएंगे। देखिए फिर से आ गए हैं, ये दरवाजा, और ये दरवाजे में मोटी मोटी जो हैं ये देखें आप, लोहे की कीलें हैं, इतनी मोटी मोटी, बहुत मोटी कीलें हैं ये शायद कोई दुश्मन अटैक ना कर सके आसानी से, इसलिए इस तरह के दरवाजे बनाए गए हैं, मोटी मोटी जंजीरें। ओह वेरी ब्यूटीफुल, ये किले से होता हुआ ये किला और ये लेक। ओहो, अब हटी फॉग और ये दिखा नज़ारा, वाह वाह। ये देखिए अब रास्ता आसान हो गया है, अच्छे से स्टेयर्स नज़र आ रहे हैं। ये हमारे साथ आप ले सकते हैं लुत्फ, बिल्कुल लुत्फ लिया जा रहा है पाजी आपके साथ, हम सब के साथ, दोस्तों का साथ हो तो फिर मज़े ही मज़े हैं और कमाल के मज़े हैं। ये देखें खूबसूरती वह अब नज़र आई क्योंकि फॉग अब हट चुकी है। ये नज़ारा है इस तरफ का बड़ा शानदार, और अब ये स्टेयर्स एकदम ऑलमोस्ट हम नीचे की तरफ पहुंच चुके हैं, नीचे मतलब बिल्कुल नीचे नहीं, जहां पर हमारी गाड़ी पार्क है, और ये जहां से सीढ़ियां शुरू हुई थी उस तरफ हम नीचे जा रहे हैं। मज़ा आ गया वाकई यहां पे तो, ओहो क्या कहने भाई। विक्रम भाई
ये हैं विक्रम भाई, इनके बारे में बता दूं, ये बिग बॉस के 13 सीजन कर चुके हैं और ये OTT पर जो अभी आ रहा है उसके भी क्रिएटिव हैं और ये हमारे दोस्त हैं, क्योंकि लोनावला में बहुत बार हुआ है बिग बॉस, इसलिए इनको हर जगह की जानकारी है और यही है हमारे आज के गाइड। और थैंक यू विक्रम भाई, आपकी वजह से इतनी सक्सेसफुल और शानदार ट्रिप हमारी हुई और ये हमारे दोस्त कनाडा तो आए और पाजी मजा आ गया इंडिया आके। लव यू पाजी। तो दोस्तों ये था लोहगढ़ किला, पनवेल में है, पनवेल के आसपास ही बिल्कुल एकदम बहुत ही ऊंचाई पर है, हमें गाड़ी से बहुत ऊंचाई पर आया, उसके बाद पैदल चलकर बहुत ही मज़ा आया, किला आपने देखा कितना खूबसूरत था। तो दोस्तों जब भी लोनावला का प्लान बनाए घूमने का फैमिली के साथ फ्रेंड्स के साथ तो लोहगढ़ किले ज़रूर आइए, अगर आप यहाँ नहीं आए तो समझिए आपकी ट्रिप अधूरी है। तो ये था लोहगढ़ किले का वीडियो लोनावला। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और प्यार देते रहिए, जो नए व्यूअर्स हैं सब्सक्राइब करें और जो पुराने व्यूअर्स हैं लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।